खबर गाजीपुर मनिहारी से है। प्रदेश सरकार द्वारा 35 करोड़ के पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान में ग्राम पंचायत यूसुफपुर श्री श्री टंडावीर बाबा टंडेश्वर महादेव धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 5001 पौधा लगाओ अभियान के 8वें दिन गाजीपुर की महान समाजसेवी सौर्या सिंह, प्रदेश सचिव महिला विकास मंच उत्तर प्रदेश के सौजन से 1000 वृक्ष ट्रस्ट को सुपुर्द कर अपने कर कमलों से अपने पूर्वजों की स्मृति में 11 वृक्ष लगाकर श्रद्धांजलि देते हुए समस्त प्रदेश जिला व क्षेत्रवासियों से अपने अपने हाथों एक एक पेड़ अपने क्षेत्र अपने गांव के मंदिर मस्जिद शिक्षण संस्थानों में लगाकर पर्यावरण भूगर्भ के गिरते जल स्तर व ऑक्सीजन लेवल की कमी को दूर करने हेतु आप सभी पुरुषों के साथ महिलाओं को भी आगे आने की जरूरत है, जिसे कोरोना जैसी महामारी में असमय काल के गाल में अपनों को जाने से बचाया जा सके। इस महाशुभ अवसर पर महान समाजसेवी अभिषेक सिंह मधु यादव अध्यक्ष महिला विकास मंच गाजीपुर कंचन रावत नीलम सिंह अमिता सिंह ममता यादव हिमालय जायसवाल युवा अध्यक्ष आनंद जायसवाल नगर अध्यक्ष जायसवाल समाज गाजीपुर अंशु त्रिपाठी सुनील दुबे अध्यक्ष ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन गाजीपुर व श्री श्री टंडावीर बाबा टंडेश्वर महादेव धर्मार्थ ट्रस्ट के पंकज दुबे महाकवि जनार्दन सिंह सर्वोदय राम रतन सिंह महामंत्री प्रमोद दुबे सचिव रामावत गुप्ता उपाध्यक्ष मूलचंद मासूम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ दिनेश दुबे पकौड़ी दीपू सिंह श्याम निषाद व राजेश जायसवाल कार्यकारी अध्यक्ष संस्थापक ने संचालन कर व कार्यक्रम की सकुशलता पूर्वक संपन्न होने पर धाम पर पधारे सभी आगंतुकों के प्रति आभार प्रकट कर हृदय से साधुवाद दिया। आपसे उम्मीद है और मैं चाहूँगा कि दो शब्द जो है आप संदेश के रूप में महिलाओं को जो मैं चाहूंगा कि आप महिलाओं के लिए एक संदेश प्रेषित करेंगी, क्योंकि आपकी बात पूरी सुनी जाती है, आपकी बात को लोग सुनते हैं अमल करते हैं। हमारी कंचन रावत जी हमेशा संघर्ष करती हैं जो महिलाओं में एक संदेश जाए कि वृक्षारोपण की कड़ी में महिलाएं जो नारी शक्तियां हैं लक्ष्मी जो लक्ष्मी बाई हैं जो लक्ष्मी बाई के साथ आप दुर्गा शक्ति हैं आप काली शक्ति हैं माता सरस्वती हैं आज वृक्षारोपण का आप आगाज करके एक संदेश दे रहे हैं। मधु यादव स्वागत निज निर्धन कुटिया में सतत सकल जग तेरा सर्वस्व समर्पित सादर तुमको जो कुछ भी है मेरा। आप सबको मेरा प्रणाम और सर आपको बहुत बहुत सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सारी टीम को तहे दिल से धन्यवाद और आभार कि आप लोगों ने इतना बढ़िया स्वागत किया। एकदम मुझे दगदग हो गया, कुछ कहने को नहीं शब्द कम पड़ जा रहे हैं और मैं क्या कहूँ। मेरे साथ जो भी टीम आई है जो मुझे मेरे साथ चलती है कंचन जी नीलम जी और अभी नए उसमें है अंकिमा जी और मैं सबका धन्यवाद कहती हूँ और हमारे युवा अध्यक्ष हिमालय जी जो सब अपना समय निकाल के आए वृक्षारोपण के लिए। वृक्ष देखिए सबकी ज़िंदगी में बहुत अहम है, लेकिन वृक्ष के गांव घर जो आप देख रहे होंगे हरियाली ये सब वृक्ष ही हैं। लेकिन जब हम शहर में प्रस्थान करते हैं तो बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं वहाँ पे सब काट दिया जाता है, तो वहाँ पे इसका बहुत अभाव है। जब यूपी सरकार ने इसकी पहल की है तो मैं चाहूँगी कि जितने भी वृक्ष लग रहे हैं उनकी उतनी देख रेख भी होनी चाहिए, क्योंकि हम वृक्ष लगा के कुछ समय बाद उसको ना भूला जाए, उनको एकदम बच्चे की तरह सींचा जाए, उनके खाद वाद पर पूरा ध्यान दिया जाए जैसे एक बच्चे को सींचते हैं। और ये भी है कि इन वृक्षों की लगाने की जो संख्या है वो जैसे स्कूल हो गए कॉलेजेस हो गए यहाँ पे बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे खेलते कूदते हैं तो इसकी छाँव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं क्या कह रही हूँ मतलब आप लोग इसके लिए सक्षम है, लेकिन मुझे अपने विचार प्रकट करने थे तो ये मेरा विचार था और मैं चाहूँगी कि मेरे साथ में जितनी भी महिलाएँ आएँ अपना दो दो मिनट बताएँ। आप कंचन रावत जी मैं बता दूं, कंचन रावत जी महिला विकास मंच के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी की आप वरिष्ठ जिला की नेता हैं, आज हमारे धाम पर पधारी हैं। कंचन रावत जी जो संघर्ष जिनको हम आयरन लेडीज भी कहते हैं इनके संघर्ष को हम हृदय से सलाम करते हैं। हमेशा आप जनमानस को संदेश देने का कार्य करते, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे महिला के उत्पीड़न में हो, चाहे गरीब महिलाओं के शिक्षा के संबंध में हो, जो और जो घर कलह के लिए आप हमेशा जो आपका काउंसलिंग में सहयोग होता है वह सराहनीय है। मैं कंचन रावत जी से चाहूँगा कि आज हमारे धाम पर जो 5001 वृक्षारोपण होना है उसकी आप एक इतिहासकर्ता बनने जा रही हैं, आप एक संदेश के साथ हमारे गाँववासियों को क्षेत्रवासियों को एक संदेश देंगे। कंचन रावत जी सबसे पहले आप सबको प्रणाम और मैं एक तरह सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोग
इस लायक हमें समझे और इतना सम्मान दिया, तय दिल से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। और सारी बातों को जोड़ते हुए मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। कि आप विचारोपण की इस कड़ी में परमाधारी सरिया सिंह जी जरूर दो शब्द से जो है लोगों को आग्रहित करेंगी कि वह लोग आवे और विचारोपण में अपने पूर्वजों के यादगार में अपने घर के जो पुरखा पुरनिया हैं उनके स्मृति में एक एक वृक्ष लगाने की आप आवेदन करें, जिससे इस क्षेत्र में एक जन क्रांति, एक हरित क्रांति का संदेश मैं परमाधारी सरिया सिंह जी से चाहूंगा। कि दोस्तों दोस्तों कितना आज मेरा सौभाग्य और इसका आभार व्यक्त करता हूँ राजेश जायसवाल का जी का, कि मैं नहीं जानता था कि हमारे यहाँ हमारे गुरु भाई अजीत भाई की आज जो बच्चे हैं अभिषेक सिंह जी, हमारे दामाद जो एक तरह से हुए, और हमारे गुरबाना साधना दीदी की बेटी जो है सौरिया सिंह जी है, अच्छा बबुआ सिंह की पोती है सारी, तो हमारी पोती सौरिया सिंह के साथ इनका संबंध है। और इस अवसर पर हम ये चाहेंगे कि आप अपने ससुर या फिर जो है आप अपने पिताजी की याद में हमारे मित्र की उनके श्रद्धांजलि स्वरूप आज मैंने उनको जाना, आज हमने बताया यह वृक्ष का हम लोग लगाए और हमें खुशी है कि मेरे मित्र इस पौधे के रूप में आज जिंदा रहो, ताकि मैं कहीं भी कुछ करो कि ऐसा जग में याद सदा ही आना, कुछ करो कि ऐसा जग में याद सदा ही आना, आंखों में आंसू बनकर स्वतः आप जाना, स्वतः आप एक जन संदेश के लिए मैं चाहूंगा कि सरिया सिंह जी अपनी बाड़ी से क्षेत्रवासियों को ग्रामवासियों को अभिसिंचित करने का कार्य करें। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम आप सबको जो लोग ये देख रहे हैं इस समय। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी राजेश जी का जिन्होंने हम लोगों को इस लायक समझा कि हम लोग यहाँ आकर के वृक्षारोपण करके और यूपी सरकार द्वारा जो चल रही है प्रथा जिसमें कि वृक्षारोपण कराना है और हम लोग उसका एक भाग बने हैं, अंश बने हैं। हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं राजेश जी का कि आपने हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया। बहरहाल ये मेरा खुद गाँव है और मुझे लग रहा है कि मैं करीब 10 साल बाद यहाँ आई हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी सम्मानित तरीके से हम लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा, इतने अच्छे कार्य के लिए बुलाया जाएगा। मैं यही चाहूँगी कि जो भी वृक्ष आपके पास हैं और आप उन वृक्षों को और ऐसी जगहों पे लगाइए, स्कूलों के पास भी लगाइए जहाँ पे लोगों का ज़्यादा उठना बैठना है, उन जगहों पे ऑफिसेस के पास या स्कूलों के पास आप ज़्यादा इसको लगाइए। ये एरिया आप कवर कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पौधों को उस जगह भी लगाइए जहाँ लोगों का ज़्यादा उठना बैठना है। हरियाली हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद ये एक बहुत बड़ा हमारे समाज में आया निकल के कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन वो तभी मिलेगा जब हम लोग ये गांव में देखते हैं इतनी हरियाली शहर में नहीं है। तो आप थोड़ा सा हरियाली और बाहर निकालिए और स्कूलों की तरफ, ऑफिसेस की तरफ इसको लगाइए। और जो कार्य आप कर रहे हैं हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा और बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम लोगों को बुलाया, हम लोगों ने पौधे लगाए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और सभी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका मेरा नमस्कार। चलिए एक जगह सर आप खड़ा हो जाइए, परिपूर्ण आनंद जी एक जगह खड़ा होकर के आप कर लीजिए।